वेलकम नाज़रीन, जाग पाकिस्तान चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें और घंटी के बटन को भी दबा दें। कराची में फ्लूदे वाले के बाद अब धोबी भी करोड़पति बन गया। हमारा लेना ना देना कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी भी मालूम कर सकते हो। टंडो मोहम्मद खान के रिहायशी धोबी तारिक सईद को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने नोटिस भेजा कि जिस पर 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले के जली अकाउंट में 1,40,00,000 रुपए मौजूद होने का इंकशाफ हुआ है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से भेजे गए नोटिस के मुताबिक धोबी तारिक सईद के अकाउंट में 1,04,00,000 रुपए मौजूद है। नोटिस के तहत तारक को तफ्तीश के लिए कराची तलब किया गया, जहां इससे बैंक अकाउंट में मौजूद रकम का हिसाब मांगा जाएगा। तारिक सईद को अपने साथ मुतलका दस्तावेजात लाने की भी हिदायत की गई। धोबी तारिक सईद का कहना है कि मैं एक मजदूर आदमी हूं और 200 रुपए रोजाना कमाता हूं। मेरी समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी रकम कहां से आ गई। अदालत की जानिब से तश्कील दी जाने वाली मुश्तरका तहकीकाती कमेटी सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के तहत 50 से ज्यादा जली अकाउंट की तफ्तीश कर रही है। वाज़ेह रहे कि इस स्कैंडल में इससे कबल कराची के इलाके और रंगी टाउन के रहायशी फलूदे वाले के अकाउंट में भी 2,25,00,000 रुपए की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था। फलूदे वाले का कहना है, मैं गरीब आदमी हूँ, अनपढ़ हूँ, अनपढ़ होने की वजह से मैं तो उर्दू भी दस्तखत भी नहीं कर सकता, तो अंग्रेजी में कैसे करूँगा। JIT की तफ्तीश में लाड़काना के एक तालिब इल्म के नाम पर भी बड़ी तमीराती कंपनी का अकाउंट सामने आया, जिसमें 1.5 अरब रुपए तक की रकम साल 2013 से साल 2014 के दरमियान निकाली गई, लेकिन जिसके नाम अकाउंट था वो बेखबर ही रहा। तालिब इल्म के अहले खाना ने कहा कि हमारे बेटे के पास तो नौकरी भी नहीं है, बैंक अकाउंट में मौजूद रकम के हवाले से हमें कुछ इल्म नहीं है।